दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को प्रिंट कैसे किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी पेपर प्रिंट करने की प्रोसेसिंग को बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पेपर प्रिंट करने से पहले सबसे पहले हमें पेपर को इस कटर मशीन में काटना होता है और बिल्कुल एक्यूरेट करना होता है, जैसे ये बंडल साइड में रखे हुए हैं इस तरीके से हमें इसको तैयार कर लेना है। इसको तैयार करने के बाद ही दोस्तों ये पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है। प्रिंटिंग में अब ये जो पेपर यहाँ लगा हुआ है दोस्तों ये कटने के बाद लगा हुआ है। दोस्तों अब ये पेपर प्रिंटिंग मशीन में जाएगा। दोस्तों ये पेपर ऑटोमेटिक जाता रहता है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। दोस्तों जैसे पन्नी में अलग अलग कलर के लिए सिलेंडर बनते हैं उसी प्रकार पेपर को प्रिंट करने के लिए अलग अलग कलर की प्लेटें बनाई जाती है। सिलेंडर की तरह ही होती है दोस्तों, जो ये प्लेट आपको साइड में दिख रही है इस तरीके की प्लेटें बनाई जाती है। दोस्तों जैसे पांच कलर की जॉब होती है तो पांच प्लेटें ही तैयार की जाती है। दोस्तों ये हर अलग अलग कलर की जॉबें हैं। इसी जैसे पन्नी प्रिंट होती है सिलेंडर के साथ, वैसे ही ये पेपर प्रिंट होता है प्लेटों के साथ। दोस्तों जैसे ये आपको दिख रहा है ये ऐसे ही अलग अलग कलर की जॉबें हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ये जो आपको ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ये प्रिंटिंग दिख रही है, इसी तरीके की प्रिंटिंग होती है। दोस्तों इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप दिल्ली में हो या हरियाणा में हो या इनके आसपास में हो तो आप यहाँ से पेपर को प्रिंट करवा सकते हो। आप इन्हें कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर को प्रिंट करवा सकते हो। दोस्तों ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, आप किसी प्रिंटर के पास वैसे जाओगे जो शॉप वगैरह खोलते हैं उनके पास जाओगे तो वो भी इन्हीं के पास लेके आएंगे प्रिंट करवाने के लिए, तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। कोई भी आप स्टिकर बनवाते हो या कुछ भी बनवाते हो तो दोस्तों उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। जैसे आपने मस्टर्ड ऑयल के स्टिकर बनवाए तो अगर आप डायरेक्ट बनवाओगे तो उनकी कॉस्टिंग कम आएगी। दोस्तों ये सब रस फैन मट्टी की स्टिकर बने हुए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बनवाओगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों ये मैन्युफैक्चरर है, इनसे आप डायरेक्ट कॉल करके और अपने पेपर को प्रिंट करवा सकते हो। दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहो तो आप एक शॉप खोल के और इनसे प्रिंट छपवा सकते हो और आगे अपना मार्जिन रख के उसमें सेल कर सकते हो। दोस्तों जितने भी प्रिंटिंग वाले होते हैं सबके पास मशीनें नहीं होती, सब ऐसे ही बाहर से ही प्रिंट करवा के आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हो दिए गए नंबरों पे कॉल करके इनसे कॉन्टैक्ट करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप कहीं भी अपनी शॉप खोल लीजिए, वहाँ पे आप पैम्पलेट वगैरह, विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड और दोस्तों ये स्टिकर वगैरह आप कुछ भी बना के आप पेपर को जो भी पेपर में प्रिंट होता है वो प्रिंट करवा के आप इनसे प्रिंट करवा के और दोस्तों आप आगे सेल कर सकते हो। इससे दोस्तों आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं तो उसके स्टिकर वगैरह, पैम्पलेट वगैरह आप इनसे बनवा सकते हो, आपके सस्ते बनेंगे। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप एक शॉप खोल के आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।